मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बुधवार को दमोह पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा जनप्रतिनिधि सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से दमोह होमगार्ड ग्राउंड पहुंचे। मुख्यमंत्री चौहान हेलीपैड से रोड शो के लिए रवाना हुए। रोड शो तीनगुली चौराहे से शुरू हुआ, जो स्टेशन चौराहा, घंटाघर चौक, अस्पताल चौराहा, कीर्ति स्तंभ चौराहा होते हुए तहसील प्रांगण पहुंचा। रोड शो रथ पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व मंत्री जयंत मलैया सहित अन्य जनप्रतिनिधि सवार थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताया, साथ ही 1600 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। हम इस सरकार को फिर से लाएंगे, जो अपना साथ दे रहा है उसका साथ देंगे। बोलो देंगे, जो सरकार देंगे, मोदी जी का साथ देंगे, मामा का साथ देंगे और लखन पटेल को घोषित जो गए इनको भरपूर आशीर्वाद दे दीजिए, तालियां बजा कर स्वागत कीजिए और भरपूर आशीर्वाद दीजिए और मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का संकल्प लीजिए। उठाइए दोनों हाथ, पीछे दाएं बाएं बहने भाई सब बांधे बोले मुट्ठी और मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहनों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 27 तारीख को फिर बहनों से बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। किसान भाइयों, के आपके सूखे खेतों की प्यास बुझाएंगे और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कैन बेतवा योजना स्वीकृत हो गई है। बुंदेलखंड में क्रांति आएगी, जन क्रांति, और जनता की जिंदगी बदल जाएगी। और इसलिए एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ प्रभावशाली जनता के कल्याण के काम देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार करने की कोशिश कर रही है। मैं आप सबसे केवल एक ही निवेदन करता हूँ, मेरे बहनों और भाइयों बताओ, जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं जोर से बताओ देना चाहिए कि नहीं? तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, याद करेगा कमलनाथ आए थे तो किसान सम्मान निधि के काम नहीं करे, किसानों को पैसा नहीं मिला। अब प्रधानमंत्री जी 6000 दे रहे हैं, हमने भी 6000 देने का फैसला किया। 12000 रुपया किसानों को मिलेंगे, उन्हें नाम ही नहीं भेजे थे। जल जीवन मिशन का काम ही शुरू नहीं किया। मेरी बहनों, 1000 रुपया देकर भाग्य सहरिया बहनों को देते थे, वो देना बंद कर दिए थे। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी, लेकिन बुजुर्गो तीर्थ यात्रा में रेल से फिर चालू, केवल रेल से नहीं, हम हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे। अरे गरीबों को भी हवाई जहाज। जल शक्ति मंत्री बनकर बैठे हैं श्री प्रहलाद पटेल के, और घर में टोटी वाला नल लगा के तुमको पीने का पानी दिया जाएगा, ताकि भटकना ना पड़े और बेटियों को पानी ना भरना पड़े। ऐसी योजनाओं का आज लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। दमाओ में जल्दी मेडिकल चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए पैसे का इंतजाम करते हुए इसको 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा और कब और इंतजाम पैसे का होगा तो फिर 1500 रुपया करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और अंत में कितना करूंगा? जो से बताओ कितना? संकल्प यही है कि बहनों के आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। क्यों स्त्री जाति दुखी रहे, क्यों गरीब रहे, नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का निक्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्ष
संकल्प लिया। अभी सब बैठेंगे थोड़ी देर, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं सरकार अभी कोई नहीं जाएगा, बैठेंगे थोड़ी देर और बात करेंगे। इंडिया इज नाउ ऑन द मून, आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में, और इसलिए इस समय हम खोल रहे हैं सीएम राय स्कूल। प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल बना रहा हूं, प्राइवेट से बढ़िया। वहां नया होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां स्मार्ट क्लास होगी, और वहां बच्चों को लेने स्कूल बस जाएगी और बस ही छोड़ के आएगी, ताकि अच्छे से अच्छा स्कूल मिल सके मेरे बेटा बेटियों। और सुनना, मैं पार्टी की सरकार भरवाने का काम करेगी, मैं इधर बोलूंगा भी और उधर हम इंतजार भी करेंगे कि चंद्रयान कब चंद्रमा पर, स्क्रीन पर चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड कर गया, तालियां बजाओ भारत माता की, भारत माता की, अपने प्यारे भारत देश की। विजय सिंह राजपूत की, उमा देवी की, सोनाबाई की, अब मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि समय नहीं है पंडित जी, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा संबोधित करूं। आदरणीय मंच, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की और प्रगति की नई ऊंचाइयां छू रहा है। आज गर्व है हमें कि दुनिया भारत के पीछे खड़ी है। और कभी ये गाना गाते थे, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। आज पूरी मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि मामा लगता हूं, बताओ मुख्यमंत्री की मामा, और बहनों आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया, भैया हूं, मामा हूं, बेटा हूं, इसलिए तो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हम करवाते हैं, और इसलिए कितने ही थे क्योंकि पैदल जाना पड़ता था, तब मामा ने साइकिल लेके कहा बेटिया पैदल नहीं साइकिल पर बैठ के जाए। बाद में भाइयों ने भी मुझे कहा कि मामा बेईमानी हो रही है, भांजी जा रही साइकिल पे, हम पैदल नहीं घिसक रहे हैं, तो भाइयों को भी साइकिल देना शुरू की। स्कूल की यूनिफॉर्म हो, गांव की बेटी योजना हो, या मेरे बेटा बेटियों तुम अच्छी पढ़ाई करो और पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसलिए मामा क्या देता है, 12वीं में अच्छे नंबर लाओ तो लैपटॉप, लैपटॉप। 10वीं 11वीं 12वीं के कौन है, हाथ उठाओ जरा, अगले बार 75% से ज्यादा नंबर लाओगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। बोलो कौन कौन लैपटॉप लोगे, हाथ उठाओ। और इस बार भारत माता की, दमोह जिले की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। थोड़ी देर में ही अभी चंद्रयान चंद्रमा पर उतर के भारत का गर्व और गौरव बढ़ाने वाला है। आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया देखेगी कि भारत कहाँ पहुंच गया है, और इसलिए हम चंद्रयान को उतरते हुए भी देखेंगे और मध्य प्रदेश में जनता की जिंदगी बदलते हुए भी देखेंगे। मेरे बेटे बेटियों को स्कूटी देते हुए भी देखेंगे। और इस अवसर पर आज मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री, विशेषकर जो जल शक्ति मंत्रालय देख रहे, आपके लोकप्रिय सचिव दमोह से विनोद उदेनिया की रिपोर्ट।